नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि अगर ICF कोच वाली राजधानी और ICF कोच वाली शताब्दी एक्सप्रेस 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती है तो नॉर्मल ICF कोच वाले 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, नॉर्मल ICF कोच वाली जो ट्रेन होती है वह 110 किलो पर आवर से ऊपर क्यों नहीं जाती, जबकि ICF कोच वाली राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस 130 किलो पर आवर की स्पीड में चलते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारे टेक्निकल रीजन हैं जिसे हम एक एक कर समझते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, जो भी ट्रेन होती है उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है वह सिर्फ कोच के ऊपर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर कई सारे कारण हैं जिसके बदौलत जो भी एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट या कोई भी ट्रेनें होती हैं उनकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है वह डिसाइड की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर हम नॉर्मल ICF कोच वाली ट्रेन की, तो नॉर्मल ICF कोच में होता क्या है कि कोच के अंदर जितने भी पंखे या लाइट वगैरह लगे होते हैं उनको सप्लाई देने के लिए कोच के नीचे एक अल्टरनेटर लगा होता है और जब व्हील्स घूमता है तो उसी के घूमने से ही अल्टरनेटर घूमते हैं, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी से चार्ज किया जाता है और बैटरी के द्वारा यहाँ पर कोच में लगे पंखे या लाइट को सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जितने भी कोच हैं सबके नीचे इंडिविजुअल अल्टरनेटर लगे होते हैं और जब लोकोमोटिव स्टार्ट होती है और कोच को खींचना शुरू करती है तो यहाँ पर लोकोमोटिव के ऊपर शुरुआत में बहुत ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि व्हील्स के साथ साथ उन्हें अल्टरनेटर को भी घुमाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड जो है वह कम हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हम ICF कोच वाली राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस की, तो इसमें होता क्या है कि इसमें सारे कोच एसी होते हैं और पूरे कोच में जो एसी होने के कारण यहाँ पर नीचे जो अल्टरनेटर लगे हैं ये अल्टरनेटर सारे एसी कोच को सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो इसमें किया क्या जाता है कि इन सारे अल्टरनेटर को हटाकर यहाँ पर कोच के दोनों एंड में एक जनरेटर कार लगा दिया जाता है, यानी कोच के अंदर ही एक जनरेटर को रख दिया जाता है जिससे यहाँ पर लोकोमोटिव बड़े ही आसानी से उस कोच को खींच पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब ये सारे अल्टरनेटर को हटा दिए गए तो जाहिर सी बात है कि लोकोमोटिव जो है बड़े ही आसानी से इसे पुल कर पाएंगे और यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड होती है वह बढ़ जाती है। दोस्तों, दूसरा जो टेक्निकल रीजन यह होता है कि नॉर्मल ICF कोच जो है उनमें जो विंडो वगैरह होते हैं वो ओपन होते हैं और विंडो ओपन होने से होता क्या है कि जो एयर का प्रेशर है, दबाव है, बहुत ज़्यादा पड़ता है जिससे लोकोमोटिव उतनी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें स्पीड में नहीं खींच पाते। लेकिन अगर बात करें ICF कोच वाली राजधानी एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर सारे कोच जो है सील होते हैं, इनके विंडो वगैरह प्रॉपर पैक होते हैं, इसमें डोर वगैरह भी लॉक होते हैं जिससे यहाँ पर एयर का जो दबाव है, हवा का जो प्रेशर पड़ता है जिससे लोकोमोटिव के ऊपर ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और बड़े ही आसानी से लोकोमोटिव यहाँ पर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उन्हें खींच पाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा रीजन तो यह हो गया। दोस्तों, तीसरा रीजन यह है कि जितने भी ICF कोच वाले राजधानी एक्सप्रेस हैं या फिर शताब्दी हैं, इनका जो रूट है डिसाइड किया गया है जो कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड वाले रूट पर ही चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय रेलवे में रूट को कई टाइप में बांटा गया है, तो जो हाई स्पीड वाले रूट हैं उन्हीं पर ये राजधानी एक्सप्रेस वगैरह चलती हैं। लेकिन बाकी अगर दूसरे ICF कोच की बात करें तो वो जो तीसरे क्वालिटी वाले रूट पे चलती हैं जहां पर उनकी स्पीड 110 किलो पर आवर तक ही डिसाइड की गई है कि इसके ऊपर ये नहीं जा सकते। इसीलिए ICF कोच वाले जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उन्हें 110 किलो पर आवर से ऊपर नहीं चलाया जाता है, जबकि राजधानी या फिर शताब्दी वगैरह जो है ICF वाले उन्हें 130 के ऊपर चलाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।